प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने से मन को बेहद सुकून सा मिलता है। इसी सोच के साथ आज हम चल रहे हैं जनपद सोनभद्र के कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए और देखिए प्रकृति के खूबसूरत नजारे। ये है अरोरा घाटी, जिसे सोनभद्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पहाड़, झरने, झील से भरपूर अरोरा घाटी पर्यटकों का मन मोह लेती है। आज की हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है मारकुंडी पहाड़ी के नीचे सोन घाटी, जो कि सोन इको पॉइंट के नाम से भी मशहूर है। चलिए देखते हैं। सोनभद्र के जिला मुख्यालय से सोन इको पॉइंट या सोन घाटी दर्शन स्थल लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र का ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वाराणसी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनपद सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज सड़क और रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। नजदीकी हवाई अड्डा वाराणसी है। यह है सोनभद्र का मशहूर पर्यटन स्थल सोन घाटी, और जैसा कि हमने आपको बताया इसे सोन इको पॉइंट भी कहते हैं। ये घाटी कैमूर वन्य जीव प्रक्षेत्र में आती है। पहाड़ों के बीच कलकल करते झरनों का संगीत अगर आपको पसंद है तो ये जगह आपको बुला रही है। सोन घाटी के अप्रतिम सौंदर्य के साथ ही मारकुंडी पहाड़ी पर लोक गाथा लोरी गायन के नायक लोरिक द्वारा एक वार से विशाल पत्थर के चट्टान को दो टुकड़े में करने का साक्षी लोरिक पत्थर भी यही है। वैसे तो प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा आप साल भर देख सकते हैं, लेकिन इस नैसर्गिक सौंदर्य की खूबसूरती तब और निखर जाती है जब आप यहाँ सितंबर से फरवरी के बीच में आएंगे। तो यहाँ जरूर आइए और प्रकृति के इस सौंदर्य का लुत्फ उठाइए। सोनभद्र के मशहूर पर्यटन स्थल सोन घाटी को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंचमुखी महादेव। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और दर्शन करिए महादेव के। यह है पंचमुखी महादेव का मंदिर। ये मंदिर इतिहास, संस्कृति और परंपरा का साक्षी है। सोनभद्र का पंचमुखी महादेव मंदिर गुप्तकाल का माना जाता है। जिस पहाड़ी पर पंचमुखी महादेव विराजमान है उसी पहाड़ी में मंदिर के थोड़ा नीचे प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र भी मौजूद हैं। ये चित्र मानव जीवन के संघर्ष और उसकी जिजीविषा का बखान करते हैं। पंचमुखी महादेव और यहाँ मौजूद गुफा चित्रों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हैं दीपक केसरवानी जी। आइए उनसे जानते हैं। दीपक जी, गुफा चित्र और पंचमुखी महादेव किस तरीके से जुड़े हुए हैं और क्या विशेषता है इस गुफा चित्र की? पंचमुखी पहाड़ी पुरातत्व और इतिहास की संगम स्थली है। यहाँ पर शोध के दौरान 14 गुफा चित्रों का अस्तित्व सामने आया। जे काकवर ने सर्वप्रथम यहाँ पे सुअर का शिकार करते हुए रॉक पेंटिंग को देखा था। यहाँ पर अवस्थित गुफाओं में लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के गुफा चित्र अंकित हैं, जिनमें शिकार दृश्य, मानव जीवन एवं दैनिक क्रियाएं आदि चित्रांकित हैं। पंचमुखी महादेव मंदिर
गुप्त काल के पहले सूर्य मंदिर था। गुप्त काल में यहाँ पर पंचमुखी शिव की स्थापना की गई। तब से यह क्षेत्र गुप्तमय गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। पंचमुखी महादेव के दर्शन और गुफाओं के चित्र देखने के बाद अब हम चल रहे हैं गुप्त काल के एक और मंदिर बरेला महादेव की ओर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए बरेला महादेव के। ये है बरेला महादेव का मंदिर। इस मंदिर में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। आइए करते हैं महादेव के दर्शन। दीपक जी, इस मंदिर का ऐतिहासिक क्या महत्व है, क्या विशेषता है और गुप्तकालीन इस मंदिर में क्या कुछ खास है? यह मूर्ति 9वीं शताब्दी की निर्मित मानी जाती है और इस मूर्ति का उद्भव नींव की खुदाई करते समय जहां हम आप खड़े हैं वहीं से हुआ था। इसके साथ साथ यहां पर एक भव्य मंदिर के भग्नावशेष भी मिले हैं जो यहां के पीपल के मंदिर के पास मूर्तियां सजोई गई हैं। और इस मंदिर के ठीक पीछे एक दुर्गा मंदिर भी है जिसमें अवशेष के रूप में मिला हुआ प्रस्तर खंड ये बताता है कि इस मंदिर का निर्माण इसी नक्शे के आधार पर हुआ था। प्राकृतिक सौगात से भरे पूरे जनपद सोनभद्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पूरे सोनभद्र में दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर बिखरे पड़े हैं। पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास नहीं हुआ, अन्यथा जो लोग उत्तरांचल में या जम्मू कश्मीर में संभावना की तलाश करते हैं वे सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं। अगर बरसात के दिनों में एक बार की दृष्टि डालें तो मसूरी, नैनीताल, देहरादून का परिदृश्य यहाँ पर आप अवलोकित कर सकते हैं। प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य और आस्था के केंद्रों को देखने की हमारी यात्रा यहीं संपन्न होती है। अगली किसी और यात्रा में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।